डिसेंट मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ चैप्टर 7। इन दिस वीडियो वी सी पेज नंबर 61। चैप्टर 7 पेज नंबर 61। चैप्टर 7 का बेटा हम पेज नंबर 61 देखते हैं। कंपैरिजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन का तुलना, दो फ्रैक्शन में तुलना या दो फ्रैक्शन में जोड़ अथवा दो फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन घटाना। तो चलिए बेटा देखते हैं। टू कंपेयर टू फ्रैक्शन आर टू ऐड आर सब्ट्रैक्ट टू फ्रैक्शन वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन में तुलना तुलनात्मक या दो फ्रैक्शन की तुलना अथवा दो फ्रैक्शन का जोड़ अथवा दो फ्रैक्शन का घटाना करने के लिए हम पहले उनके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। और सबसे पहले हम दिए गए फ्रैक्शन को उसके बाद दिए गए फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में बदलते हैं। लेट्स अस टेक द फ्रैक्शन। चलिए हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 5/6 एंड 2/8। 5/6 एंड 2/8 लेते हैं। अब 6 और 8 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। और एलसीएम निकालने के बाद ताकि उस एलसीएम से हम दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे बेटा। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इक्वल टू 6 8 जा 48। 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 48। 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 48। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इक्वल टू 48। 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे 48 आएगा, 6 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 48। अब नाउ 48/6। अब सबसे पहले हम एक फ्रैक्शन को लेते हैं 5/6। अब इस फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, 46 से एलसीएम से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो 46/6 इक्वल टू कितना आएगा 8 6 जा 48। तो आपका क्वेश्चन कितना है 8। सो अब इस 8 से हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इस 8 से 5/6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो सो 5/6 इजकल टू 5/6 मल्टीप्लाई 8, आई मीन 5 × 8/6 × 8। तो कितना हो जाएगा 5 8 जा 40 6 8 जा 48। अब एंड 40, अब दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं 2/8 एंड 48/8 है। अब 48 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 48/8 इजकल टू 6 6 6 8 जा 48। सो अब हम इस फ्रैक्शन को लेते हैं 2/8, तो 2/8 इजकल टू, अब इस फ्रैक्शन से हम 6 को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6/8 × 6। अब इनका मल्टीप्लाई आपस में करिए, 2 6 जा 12 8 6 जा 48। अब हमें दो फ्रैक्शन मिल गए 40/48 एंड 12/48। तो कंपेयर करें, टू कंपेयर 5/6 एंड 2/8 वी हैव, इसी का हमें फ्रैक्शन मिला, वी हैव 40/48 12/48। अब बताइए इन दोनों में डिनोमिनेटर जब सेम है तो यही देखना, डिनोमिनेटर कौन ज़्यादा है कौन कम। तो जो बड़ा रहेगा उसी की तरफ आप मुंह खोलेंगे ग्रेटर का। तो 40 और 12 में कौन सा बड़ा है, 40, तो 40/8 आपका बड़ा है। अब 40/48 किसका फ्रैक्शन आया है, 5/6 का। ओके, तो 5/6 एंड सो 5/6 एंड 2/8 में कौन सा बड़ा है, 5/6। अब हम देखिए बेटा ऐड कैसे करेंगे। अगर दो फ्रैक्शन में ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। टू ऐड द फ्रैक्शन 5/6 एंड 2/8 वी हैव। 5/6 और 2/8 को 8 को ऐड करने के लिए हम करेंगे क्या, 5/6 + 2/8। अब 8 करिए तो इसमें क्या होता बेटा, क्रॉस मेथड का 5 अगर ऐड करेंगे कैसे, देखिए बेटा 5/6
प्लस टू अपन एट। अगर इनको ऐड करना है तो पहले हम क्रॉस मेथड से इनको फाइव अपन सिक्स टू अपन एट इन्हें क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइव मल्टीप्लाई एट ब्रैकेट में आप डालेंगे फाइव मल्टीप्लाई एट प्लस टू ब्रैकेट में टू मल्टीप्लाई सिक्स ब्रैकेट क्लोज अपान ब्रैकेट में आप डालेंगे सिक्स मल्टीप्लाई एट। ओके अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट टूट जाएंगे। तो फाइव एट जा फोर्टी प्लस टू सिक्स जा ट्वेल्व अपान सिक्स एट जा फोर्टी एट सिक्स एट जा फोर्टी एट। ओके अब इनको ऐड कर लीजिए। टू में जीरो ऐड करेंगे टू वन फोर में वन ऐड करेंगे फाइव तो फिफ्टी टू अपन फोर्टी एट दिस इज आंसर। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बोला तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए फोर्टी एट वन जा फोर्टी एट। अब फोर्टी एट में कितना ऐड करेंगे फिफ्टी टू आ जाएगा फोर। कितना ऐड करेंगे फोर तो फोर ऐड कर लेंगे ये हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। अगर मिक्स फ्रैक्शन में बोले तो ऐसे करिए अदरवाइज यही आंसर दे दीजिए फिफ्टी टू अपॉन फोर्टी एट। अंडरस्टैंड ए प्लस करने के लिए हम क्रॉस मेथड करते हैं। ओके अब देखिए ऐड टू सब्ट्रैक्ट टू सब्ट्रैक्ट टू अपॉन एट फ्रॉम फाइव अपॉन सिक्स फाइव अपॉन सिक्स से टू अपॉन एट को सब्ट्रैक्ट करिए तो वी हैव हम करेंगे फाइव अपॉन सिक्स माइनस टू अपॉन एट। इनको भी सेम मेथड से ऐसे ही करना है जैसे आप ऐड करते हैं वैसे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे टू अपॉन एट फ्रॉम फाइव अपॉन सिक्स इस फाइव अपॉन सिक्स से टू अपॉन एट सब्ट्रैक्ट करिए तो क्रॉस मेथड करिए टू अपॉन एट फाइव अपॉन सिक्स तो आपको आ जाएगा टू मल्टीप्लाई सिक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट में फाइव मल्टीप्लाई एट ब्रैकेट क्लोज अपान एट मल्टीप्लाई सिक्स। ओके अब करिए टू सिक्स जा ट्वेल्व ब्रैकेट हट गया माइनस फाइव एट जा फोर्टी अपान एट सिक्स जा फोर्टी एट। अब ट्वेल्व ट्वेल्व में से तो फोर्टी माइनस होगा नहीं। देखिए बेटा इसको थोड़ा सा चेंजिंग करना रहेगा जैसे अगर आपका है बेटा टू अपॉन एट फ्रॉम फाइव अपॉन सिक्स तो फाइव अपॉन सिक्स से टू अपॉन एट को सब्ट्रैक्ट करिए तो सब्ट्रैक्ट करते समय बेटा आप करेंगे क्रॉस मेथड फाइव अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई अरे सॉरी टू अपॉन एट माइनस का सिंबल है तो क्रॉस मेथड से माइनस करेंगे फाइव अपॉन सिक्स टू अपॉन एट तो क्रॉस मेथड कर देंगे तो क्रॉस मेथड करेंगे तो फाइव एट जा फोर्टी सॉरी फाइव मल्टीप्लाई एट माइनस ब्रैकेट में टू मल्टीप्लाई सिक्स अपान ब्रैकेट में सिक्स मल्टीप्लाई एट। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई करिए फाइव एट जा फोर्टी माइनस टू सिक्स जा ट्वेल्व अपान सिक्स एट जा फोर्टी एट। अब फोर्टी में से ट्वेल्व माइनस करिए टेन में से टू माइनस होगा एट थ्री में से वन माइनस होगा टू अपॉन फोर्टी एट दिस इज योर आंसर। ओके दिस इज योर आंसर। देखिए बेटा टू सब्ट्रैक्ट टू अपॉन एट फ्रॉम फाइव अपॉन सिक्स तो वी हैव फाइव अपॉन सिक्स माइनस टू अपॉन एट तो क्रॉस मेथड से इनको मल्टीप्लाई करेंगे फाइव मल्टीप्लाई एट एंड टू मल्टीप्लाई सिक्स तो फाइव मल्टीप्लाई एट माइनस टू मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन फोर सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई एट इजकल टू कितना जाएगा सिक्सटी और फोर्टी एट सिक्स एट जा फोर्टी एट। तो देखिए बेटा फाइव मल्टीप्लाई एट माइनस टू मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन फोर्टी एट तो मल्टीप्लाई करेंगे फाइव एट जा फोर्टी टू सिक्स जा ट्वेल्व आई मीन फोर्टी माइनस ट्वेल्व अपॉन फोर्टी एट। अब फोर्टी में से ट्वेल्व माइनस करेंगे तो ट्वेंटी एट आएगा तो ट्वेंटी एट अपॉन फोर्टी एट दिस इज योर आंसर। नाउ वी लुक एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन। अब हम
एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं। राइट थ्री इक्वाइलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट थ्री इक्वाइलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस वीडियो को बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ताकि एक दो एक्सरसाइज आपके उसमें कंप्लीट रहें। थैंक यू, दैट्स ऑल।